आज 16 अक्टूबर दिन सोमवार का, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश में सीएम योगी द्वारा किए गए सभी मुख्य समाचार, ताजा और बड़ी खबरों को। उससे पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और खबर को आखिर तक जरूर देख ली। यूपी की इन महिला प्रधानों को होगा सम्मान, 17,500 प्रधानों को ट्रेनिंग दिलाएगी योगी सरकार। जिला नारी सुरक्षा सम्मान व स्वावलंबन के लिए कृत संकल्पित योगी सरकार अब महिलाओं बालिकाओं की आवश्यकताओं पर ओआरसी कार्य योजना तैयार करेगी। मिशन शक्ति 4 का सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा शुभारंभ करने के बाद पंचायती राज विभाग ने ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए खाका तैयार किया है। वहीं महिला जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों, नेतृत्व व संचार कौशल विकसित किए जाने का भी प्रयास निरंतर जारी है, यह जानकारी प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने दी है। यूपी में मनरेगा श्रमिकों को स्वरोजगार के लिए किया जाएगा प्रशिक्षित, डिप्टी सीएम ने दिए निर्देश। दरअसल ग्राम विकास विभाग मनरेगा में 100 दिन में काम कर चुके परिवार के 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार से जोड़ने का काम करेगी। विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर इन्हें कुशल व हुनरमंद बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसे मनरेगा मजदूरों को पंजीकरण कराने के बाद प्रशिक्षण देने का काम शुरू करने का निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिया है। मोदी बोले तो ठीक है, हम बोले तो बवंडर। प्रधानमंत्री के अमेरिका वाले बयान पर बोले स्वामी मौर्य। जी हाँ, पिछले दिनों अमेरिका और फ्रांस दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर स्वामी प्रसाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका और फ्रांस में कहा था कि हिंदू धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की एक शैली है। यही बात अगर हमने कह दी तो बवंडर खड़ा हो गया। सिर कलम करने वाले को इनाम देने तक का दावा भी किया गया। कसम खाओ, जो सिर कलम करना चाहते हैं उनके सामने सीना तान कर खड़ा होना होगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बवाल रास्ते को लेकर विवाद में पथराव, राम बारात पर सरिया और तलवार से हमला। जी हां, यूपी के अलीगढ़ में बवाल हो गया है। रास्ते को लेकर विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। इस दौरान एक धार्मिक स्थल से 2 दर्जन लोगों ने राम बारात पर सरिया और तलवारों से हमला बोला था, जिसमें 2 लोग आज गंभीर हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस प्रशासनिक अधिकारी स्थिति को नियंत्रण करने की बजाय भाग खड़े हुए। बता दें कि यह घटना कस्बा चंडौस में हुई है। परंपरागत तरीके से कस्बे में चल रही रामलीला के अंतर्गत रविवार रात को राम बारात की शुरुआत हुई। नवरात्र के पहले दिन सीएम योगी ने गोरखपुर को 233 करोड़ की दी सौगात, बोले नगरीय विकास से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में विकास कार्यों की सौगात दी है। परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने में नगरीय विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इससे लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना बढ़ेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर देश भर में होगा दिवाली जैसा माहौल। 5 लाख से अधिक गांव के मंदिरों में जलेंगे दीपक। जी हां, बता दें कि नवंबर के बाद फिर से देश में दिवाली जैसा माहौल दिखेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय गाँव रोशनी से सरोबर होंगे। उत्तर प्रदेश के 16 स्कूलों को अपग्रेड करेगी यूपी सरकार। सीएम योगी ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, 57 जिलों को दिए जरूरी निर्देश। दरअसल यूपी की योगी सरकार अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों एवं बहुउद्देशीय हब के करीब स्थित विद्यालयों को अपग्रेड करने की योजना पर कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत बहुउद्देशीय हब के करीब स्थित विद्यालयों के साथ ही इंडो नेपाल बॉर्डर के मुख्य मार्गों पर स्थित विद्यालयों के साथ ही ऐसे अनेक विद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा। इस तरह के कुल 16 विद्यालयों को अपग्रेड किए जाने का प्रस्ताव अब तक आ चुका है, जिसे सीएम योगी की मंजूरी भी मिल गई है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का प्रोटोकॉल अधिकारी बनकर करता था धोखाधड़ी, एसटीएफ ने सहयोगी संघ किया गिरफ्तार। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रोटोकॉल अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वाले जालसाज को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उसके सहयोगी को भी पकड़ा गया है। बता दें कि एसटीएफ की गिरफ्त में आया जालसाज प्रोटोकॉल अधिकारी बनकर विभिन्न विभागों में तबादला, राजनीतिक पद और ठेका आदि दिलाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करके रुपया अटता था। वही एसटीएफ मुख्यालय से यहाँ जारी एक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का प्रोटोकॉल अधिकारी एवं विशेष सचिव निवेश उत्तर प्रदेश बनकर विभिन्न विभागों में तबादला कराने तथा महत्वपूर्ण राजनीतिक पद ठेका आदि दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले राम शंकर गुप्ता उर्फ आशीष गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है।
उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार ही विपक्षी एकता का सूत्रधार। ललन सिंह बोले, यूपी में सपा के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी जदयू। जी हां, बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ चुनावी रैलियों में भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा धोखेबाज पार्टी है, वह लोगों की पीठ में छुरा बोकती है, भाजपा से उनकी पार्टी का कोई वास्ता ही नहीं है। ललन सिंह मिर्जापुर के चंद्रदीपा स्थित जनता दल यूनाइटेड के शिविर कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन और नेतृत्व को लेकर कहीं कोई गलतफहमी नहीं है, नीतीश कुमार ही विपक्षी एकता के सूत्रधार है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मी सहित धोखाधड़ी खाते से निकले 82,000 रुपए, 8 साल बाद हुई जानकारी। दरअसल अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने वाले यूपी पुलिस को लेकर जालसाज ने चूना लगा दिया है। घटना बांदा की है, यहां एक पुलिस कर्मी के परिवार वालों से ही धोखाधड़ी हो गई। ठग ने पुलिस कर्मी के खाते से 82,000 रुपए की ठगी कर ली। मजे की बात तो ये है कि घटना के 8 साल बाद इसकी जानकारी हुई। एक महिला ने अपनी बहन और बहनोई के खिलाफ शहर कोतवाली में भी धोखाधड़ी, जालसाजी, धमकी और गाली गलौज की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दो इंस्पेक्टर, 50 से ज्यादा पुलिस कर्मी, बरेली जेल से अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव को प्रयागराज ले गई पुलिस। दरअसल अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव को प्रयागराज कोर्ट में पेश करने के लिए आज दोपहर बरेली वो रवाना किया जाएगा। बता दें कि वह यहां बरेली में कारागार में बंद था। बबलू श्रीवास्तव की सुरक्षा में एक सीओ और इंस्पेक्टर समेत 50 से ज्यादा पुलिस कर्मी लगाए गए हैं। पसमानता के बाद अब सूफियों पर भाजपा की नजर। लोकसभा चुनाव में कैसे हैं अहम देश भर के लिए कार्यक्रम तैयार। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए करीब आने के साथ भाजपा अपने रणनीति को बेहतर बनाने में जुट गई है। भाजपा मुस्लिम समुदाय पर नजर गड़ाए हुए है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पार्टी पहले ही पसमानदा मुसलमानों को पाले में लाने की मुहिम चला चुकी है। अब उसकी निगाह सूफी समर्थक जुटान पर है। इसके लिए सूफी समाज महाअभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे ने लखनऊ में 12 अक्टूबर को ऐसा ही आयोजन किया गया था, जिसमें 100 से ज्यादा दरगाह से करीब 200 सूफी शामिल हुए थे। इन लोगों के साथ मोदी की नीतियों और योजनाओं को देश भर के मुसलमानों तक पहुँचाने की अपील की गयी। मौके का फायदा उठा सकता है पाकिस्तान। बासमती चावल निर्यात पर सरकार के फैसले से किसान क्यों परेशान। दरअसल केंद्र सरकार और बासमती चावल उगाने वाले किसानों के बीच गढ़ती नजर आ रही है। इन तनाव की वजह से सरकार का यह फैसला, जिसके तहत बासमती चावल की मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $1200 प्रति टन तय कर दी गई है। इसी के चलते वर्तमान में बाजार में आ रही बासमती 1509 और 1718 वैरायटी की कीमतें 300 रुपए प्रति टन तक गिर चुकी हैं। किसान सरकार के इस फैसले से बेहद निराश है और उनका दावा है कि बासमती उत्पादकों के हितों को कमजोर करता है, जो पंजाब को पानी के अधिक खपत वाली धान की फसलों से कम अवधि वाली बासमती किस्म की ओर ले जाने में योगदान दे रही है। किसी भी सूरत में पश्चिमी यूपी को नहीं बनने देंगे अलग राज्य, भाजपा नेता संगीत सोम का ऐलान। दरअसल मेरठ में क्षत्रिय चेतना चिंतन बैठक में भाजपा के फार ब्रांड नेता और पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम ने कह दिया है कि वे किसी भी कीमत पर अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं बनने देंगे। उन्होंने क्षत्रिय समाज के लोगों से कहा कि आपका अस्तित्व मिटाने की तैयारी है, ऐसे में संकल्प लें कि किसी भी सूरत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग नहीं बनने देंगे। संगीत सोम ने इसराइल फलिस्तान विवाद पर कहा कि हिंदुस्तान में हमास के समर्थकों गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश में अरशद मदनी का बड़ा बयान, फलिस्तान की जनता के साथ खड़ा है जमीयत उलमाए हिंद, वो आजादी के लिए हो रही है कुर्बान। दरअसल जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वर्ल्ड मुस्लिम लीग के सदस्य मौलाना सैयद अरशद मदनी ने फलिस्तान पर लगातार हो रहे इसराइली हमलों की कड़ी निंदा की है। कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इसराइल के आक्रमक को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उनका संगठन फलिस्तान और वहां की जनता के अधिकारियों के लिए उनके साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास को घेरा, समायोजित करने की मांग। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावी अभ्यर्थियों ने आज बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर धरना प्रदर्शन किया है। पुलिस कर्मियों ने धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को बस में बैठा कर इको गार्डन में भेज दिया। वहीं आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों का कहना था कि इस भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार ने 19,000 आरक्षण घोटाले के सापेक्ष 68 की एक लिस्ट निकाली है, वो अभी कोर्ट से रद्द हो गई।
संगीत सोम के तीखे बोल, कहा साप्ताहिक पॉइंट के पैसे से हमारा जैसा संगठन बनाने की साजिश एमओयू में डाला जाए ताला। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के बाद अब मेरठ में ठाकुर समाज की बड़ी बैठक आयोजित की गई। स्पोर्ट्स क्लब साकेत में आज ठाकुर समाज की ओर से बड़ी सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें ठाकुर समाज ने अपनी ताकत दिखाई है। बता दें कि साकेत स्थित स्पोर्ट स्टेडियम में आयोजित सहारनपुर मेडल मंडल स्तरीय क्षत्रिय चेतना चिंतन बैठक में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम ने कहा कि हम आतंकवाद के विरोध में हैं। कहा कि देश भर में हर सप्ताह लगने वाली साप्ताहिक पॉइंट में कुछ लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या इस पैसे से हमारा संगठन तो नहीं तैयार किया जा रहा। देवंगिया कांड में एसपी से रोते हुए बोली शीला, पहले पति का कत्ल अब आशियाना छीनने की कोशिश, एक गम का दर्द। दरअसल पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की पत्नी प्रेम लीला ने आज पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है। प्रेम शीला ने फतेहपुर के लेढ़ा टोले पर सामूहिक कांड की नए सिरे से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस ने बिना उनके जानकारी के केस दर्ज कर लिया है। उन्होंने रोते हुए एफआईआर में दो लोगों के नाम भी लिखवा दिए हैं और वही बता दें कि उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की है।